नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर स्पोर्ट्स जीके। तो आज हम स्पोर्ट्स जीके के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो स्पोर्ट्स जीके के जो ये क्वेश्चन है वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन रहेंगे ये सारे, ओके। और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएसएसएल और रेलवे, मतलब सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन, ओके। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूँ आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ चलेंगे ये सारी सीरीज। तो देखिए, अभी यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता। भारत के लिए जो पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था ये किसने जीता था, राज्यवर्धन राठौड़, पीटी उषा, खाजाबा जादव या अभिनव बिंद्रा ने। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, खाजाबा जादव ने पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होती है। तो मतलब कितने सम्मिलित होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कि हॉकी के खेल में, तो हॉकी के खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं, कितने, 11, सही ऑप्शन डी रहेगा 11। युवराज सिंह ने किस मैदान में एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, मतलब यहाँ पे 6 छक्के जो जड़े थे, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में युवराज सिंह ने, तो ये कौन से मैदान में जड़े थे उस मैदान का नाम बताना है। तो वो है मैदान किंग्समेड स्टेडियम, सही ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन। तो ये युवराज सिंह ने दक्षिण अफ्रीका के, ध्यान रखें दक्षिण, ये किंग्समेड स्टेडियम जो है दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, और भारत और इंग्लैंड के बीच जो T20 विश्व कप हुआ था, जो 21वां मैच था, कौन सा, ध्यान रखें 21वां मैच, तो जिसमें आपको यहाँ पे जिसमें युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे, तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में भारत और इंग्लैंड के बीच, ध्यान रखें किंग्समेड स्टेडियम दक्षिण अफ्रीका में था, और दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीका के कान से, ध्यान रखना है अफ्रीका में, अफ्रीका के डरबन में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन पूछता है तो फिर यहाँ से ध्यान रखना है स्पोर्ट्स सिक्के के लिए। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, भारत के किस शहर में पहली बार Formula 1 रेस आयोजित की गई थी। तो Formula 1 रेस जो भारत में जो पहली ये जो आयोजित की गई थी पहली Formula 1 रेस है, तो ये जो इंडियन ग्रेट प्रिक्स कहा जाता है इसको, इंडियन ग्रेट प्रिक्स कहा जाता है, तो ये ग्रेटर नोएडा में, कहाँ पे, तो कौन सा शहर, ग्रेटर नोएडा में पहली बार Formula 1 रेस आयोजित की गई थी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका दोस्तों। बताइए बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया। देखिए, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया, मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर, दारा सिंह या सचिन तेंदुलकर। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न सर्वप्रथम खिलाड़ी को प्रदान किया गया था, सर्वप्रथम खिलाड़ी को, ओके। चलो नेक्स्ट, 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियां फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो पहली भारतीय महिला कौन है दोस्तों, बताइए जल्दी से, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रियंका मोहिते, जो 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतेह करने वाली जो है भारतीय पहली महिला, प्रियंका हम मोहित, ओके। भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हरा कर 2011 में आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जीता था। देखिए, 2011 की बात की गई और आईसीसीआई ओडीआई की बात की गई क्रिकेट में, तो ये किस टीम को हरा कर, तो ये जो टीम थी वो टीम थी श्रीलंका, कौन सी टीम थी, श्रीलंका को हरा कर, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष खेला गया था। तो पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष खेला गया था, तो ये 1975 से स्टार्ट हुआ था, 1975, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, बताइए जल्दी से, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी,
बताइए जल्दी से। चलो एक मिनट, इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखना है। पहला आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप जो है 1975 में खेला गया। ओके, तो पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1975 में, तो इसने विश्व कप जीता किसने था ये भी ध्यान रखना है। तो 1975 में खेला गया और ये वेस्ट इंडीज ने जीता था। किसने? वेस्ट इंडीज। ओके, वेस्ट इंडीज ने जीता था, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसका जो है आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 के अंदर, 2008 के अंदर आईपीएल की शुरुआत हुई थी। बताइए जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए, महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियनशिप, तो यहाँ पे वो है, यहाँ पे कौन? तानिया सचदेव? नहीं, यहाँ पे होगा कोनेरू हम्पी। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, बास्केट में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है? एक फ्री थ्रो जो है कितने अंकों का होता है? वो होता है एक अंक का। कितना? एक अंक यहाँ पे राइट हो जाएगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान जो थे वो थे अपने कपिल देव। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, कपिल देव। तो कपिल देव जो है वेस्ट इंडीज को हरा कर, ये ध्यान रखें, वेस्ट इंडीज को हरा कर पहली जीत हमने दर्ज की थी 1983 के अंदर। कब? 1983 के अंदर, 83 के अंदर। और दूसरा हमने विश्व कप जो है 2011 में जीता था, जो एमएस धोनी कप्तान थे उस समय, एमएस धोनी कप्तान थे। ओके, और हमने ये वानखेड़े स्टेडियम में खेला था भारत के, जिसमें हमने श्रीलंका को हराया था। किसको? श्रीलंका को हराकर हमने विश्व कप, ये धोनी कप्तान थे तब। और कपिल देव जो 1983 के अंदर भारतीय कप्तान थे, ये पहले विश्व कप जिताने वाले आईसीसी क्रिकेट के। ओके, किस भारतीय क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है? तो मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है सचिन तेंदुलकर। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, जिसे क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। 40 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से। 40 नंबर क्वेश्चन, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से? अदिति अशोक का संबंध किस खेल से? तो ये जो खेल है वो है गोल्फ खेल। कौन सा है? गोल्फ खेल। ओके, तो ये ध्यान रखना है गोल्फ। और ये अदिति अशोक जो है बेंगलोर की, ध्यान रखें, अदिति अशोक जो है ये बेंगलोर की क्या है, ध्यान रखना है, एक भारतीय पेशेवर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय पेशेवर क्या है, ये गोल्फर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है ये। ओके, चलो, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो गोल पोस्ट की ऊंचाई जो होती है वो होती है 8 फीट। कितनी होती है? 8 फीट। गोल पोस्ट की ऊंचाई जो होती है 8 फीट होती है। यदि आपको चौड़ाई के बारे में पूछे, ये तो हो गई ऊंचाई 8 फीट। यदि आपको पूछे चौड़ाई कितनी होती है, तो चौड़ाई यहाँ पे ध्यान रखें 24 फीट। कितनी? 24 फीट। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये थे टॉप 15 स्पोर्ट्स जीके से रिलेटेड एमसीक्यू। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।